नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। सिटी न्यूज में और इस खूबसूरत दीपावली की जगमगाती शाम में आपका स्वागत। आपको बहुत बहुत बधाइयां दीपावली की। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं इस खूबसूरत सी शाम के इस बुलेटिन में पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आधे अधूरे कामों का लोकार्पण और शुरू हो चुके कामों का भूमि पूजन, विधायक शेखावत की चुनावी करतूत। ट्रैक्टर ने कुचला एक ही परिवार के तीन सदस्यों को। सांप के डसने से एक की मौत। वोकार्ड हॉस्पिटल की निःशुल्क कार्यशाला 30 अक्टूबर को। और शहर में दीपावली की धूम, धूमधाम से मनाई गई शहर में दीपावली। आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है, अमरावती शहर में दीपावली पर्व और दीपावली की ये शाम बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है। दीपावली के इस मौके पर शहर में दीपों से पूरा शहर जगमगा रहा है। सिटी चैनल परिवार और सिटी चैनल की ओर से और मेरी तरफ से पूरे शहरवासियों को और जिलेवासियों को दीपावली की इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभेच्छा। क्या आप भ्रष्टाचारियों से त्रस्त हैं? क्या आप उन्हें रोकना चाहते हैं? तो हो जाइए तैयार। अगर आपको कोई भी मुलाजिम रिश्वत मांगता है तो आप उसे खासा दंडात्मक सबक सिखाना चाहते हो तो बस अपने फोन से, अपने मोबाइल फोन से 1964 डायल करें। सद्गरता आयोग की हेल्पलाइन आपकी मदद में तत्पर रहेगी, ऐसी जानकारी दी जा रही। क्या आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि रिश्वतखोरों पर कार्रवाई हो? तो हो जाइए तैयार। आप ही मिटा सकते हो हर तबके का भ्रष्टाचार। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि कोई भी अगर रिश्वत की मांग करे तो डायल करे 1964। जी हाँ, अपने मोबाइल से डायल करें 1964। 1964 डायल करने पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की हेल्पलाइन हर शिकायत पर कार्रवाईत्मक और दंडात्मक कदम उठाएंगी। ये जानकारी सिटी न्यूज की ओर से जनहित में जारी कराई जा रही है। अब रिश्वतखोरों की खैर नहीं। अगर जनता ने ठान लिया कि रिश्वत देना ही नहीं है तो रिश्वतखोरों की एक भी नहीं चलेंगी और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। देश का भ्रष्टाचार मिटाने किसी जादू के छड़ी की नहीं बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, ये सभी ने जाना और माना है ही। अब वक्त है इसी मजबूत इच्छा शक्ति को जगाने का। इसलिए तमाम नागरिकों से ये जाहिर आह्वान किया जा रहा है कि सशक्त और मजबूत भारत निर्माण के उद्देश्य पूर्ति के लिए हम सभी ये कसम लेंगे कि ना भ्रष्टाचार करेंगे ना रिश्वतखोरी चलने देंगे। कहीं कोई भी भ्रष्टाचारी करतूत दिखाई देती है तो उसे हर संभव प्रयास कर उखाड़ फेंकने के लिए इसकी तुरंत शिकायत करें। इसलिए ये जनहित जानकारी प्रसारित की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। जिला अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों की जिंदगी में बाहर की दुनिया का नाता टूट जाता है और उन्हें त्योहारों का कोई भी पता नहीं होता, इसलिए उनके साथ त्योहार मनाने के लिए दीपावली पर्व का आयोजन किया गया था। स्थानीय इरविन अस्पताल में भी बुधवार को काफी धूम देखने को मिली, जहां एक मरीज ने दूसरे मरीज को गले मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी तथा लंबी बीमारी से जल्दी ठीक होने की एक दूसरे के मन में आस जगाई। इरविन परिसर में जगह जगह रंगोलियां निकाली गई तथा दीप जलाकर अस्पताल में दीपावली का पावन पर्व मनाया गया। इरविन अस्पताल में डॉक्टरों ने एवं कर्मचारियों ने भी मरीजों से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस नए मिलाप से इरविन अस्पताल के मरीजों के चेहरे पर काफी रौनक दिखाई दी तथा लंबी बीमारी से जूझ रहे मरीज मन में ही जल्दी ठीक होने का विश्वास भी दिखाई दिया। समाज में समाज सेवा करने के लिए हर आदमी कुछ न कुछ नया तरीका ढूंढता है, ऐसे ही एक समाज सेवक हैं
विठल राव सुमड़कर, जिन्होंने बेसहारा, भूखे और अनाथ लोगों को, विकलांग लोगों को 3 रुपये में और कुछ सस्ते दामों में भाजी पूड़ी वितरित कर उनकी जिंदगी में भूख को मिटाया है। ऐसे कई काम वे हमेशा करते रहते हैं और इस कामों की पूरे शहर में सराहना हो रही है। स्थानीय साबुनपुरा के निवासी विठल राव सोमवड़कर पिछले 25 वर्षों से दिन दुखी, पीड़ित, रोगी, भिखारी और विकलांग व्यक्तियों की सेवा में सक्रिय है। जिन व्यक्तियों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उन्हें सिर्फ 3 रुपये में ये समाज सेवी भरपेट भोजन देता है। विठल राव सोमवड़कर गरीबी की वजह से उनकी बचपन में ही पढ़ाई छूट गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई दुख झेले, लेकिन देशभक्ति की भावना से तथा समाज के लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे ने उन्हें हर दम लड़ने की ताकत दी। विठल राव सोमवड़कर संत गाड़गे बाबा, संत तुकड़ोजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, राजे शिवाजी, इनके परिवर्तनशील विचारों से प्रेरित हैं। ये व्यक्ति गणराज दिन, स्वतंत्रता दिन, दिवाली, अम्बेडकर जयंती, गांधी जयंती और ईद पर तो अपने भाजी पूरी केंद्र में स्वादिष्ट भोजन बनाकर भूखों की भूख मिटाता ही है। पेशे से गैस वेल्डिंग का काम करने वाले ये दिलदार आदमी कलयुग में भी मानवता की एक मिसाल है। इसके समाज सेवा में परिवार वाले भी शामिल होते हैं। केवल 3 रुपये में दिन दुखी, पीड़ित, विकलांग लोगों के भोजन वितरण करने वाले विठल सोमवड़कर के विधायक कार्यों की पूरे अमरावती में सराहना हो रही है। अगली खबर है मेलघाट के धारनी में। जानवर तो काफी होते हैं, लेकिन सांप के काट जाने से एक आदमी की मौत हो गई, जिससे दीपावली की पूर्व संध्या पर वहां पर अच्छी खासी खलबली मच गई थी। धारनी के खिड़का ग्राम के निवासी सुखलाल शिवराम इमली उम्र 25 वर्ष नामक युवक को अपने ही घर के बाहर मंगलवार की रात सांप ने काट लिया। युवक के शरीर में जहर पूरी तरह से फैल गया, जिसे उपचार हेतु अमरावती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना से धारनी के खिड़का ग्राम में शोक की लहर दौड़ गई। अगली खबर है अमरावती का सर्वांगीण विकास के वादे का और सर्वांगीण विकास करने के लिए कटिबद्ध रहने का दावा करते हुए आमदार राव साहब शेखावत ने जिला परिषद, महानगर पालिका और नगर पालिका चुनाव की आचार संहिता घोषित होने के पहले ही सस्ती लोकप्रियता पाने की और चर्चा में बने रहने की मानो मुहिम ही छेड़ रखी हो। आधे अधूरे कामों का लोकार्पण और शुरू हुए कामों का भूमि पूजन और बड़े बड़े पेपर्स में फोटो और बड़े बड़े इश्तेहार, शहर के लोगों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में लोकार्पण करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहारे चुनाव तेरा खेल, वादों और दावों का नहीं बैठता मेल। ये महानगरी निर्मित मुहावरा अमरावती महानगरी के हाई प्रोफाइल विधायक राव साहेब शेखावत को फिट बैठता है, क्योंकि आजकल वे खुलेआम आगामी महानगर पालिका चुनाव में तमाम जनता को लुभाने का प्रयास करते, संभ्रम फैलाते देखे जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों के अखबार अगर देखें तो इन कई अखबारों में एक इश्तेहार प्रमुखता से दिखाई देगा, मानो आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनावी आचार संहिता के पूर्व झूठी लोकप्रियता पाने और चर्चा में बने रहने का नवीनतम फंडा अपना रखा है विधायक राव साहेब शेखावत इन्होंने। इसी सस्ते लोकप्रियता के चक्कर में विधायक राव साहेब शेखावत महानगरी के विभिन्न इलाकों में घूमकर इन इलाकों के आधे अधूरे कामों के लोकार्पण और शुरू हो चुके कामों के भूमि पूजन कर तमाम शहरवासियों में संभ्रम फैलाकर सीधे सीधे महानगर पालिका चुनाव का फंडा अपनाते नजर आ रहे हैं। जिन कामों का ये विधायक महोदय लोकार्पण करते घूमे वे पूरे ही नहीं हुए है, ये खुली आंखों से दिखाई देता है। साथ ही जिन कामों का उन्होंने भूमि पूजन किया वो पिछले कुछ दिनों से शुरू हो चुके हैं। ये देखकर तो यही स्पष्ट होता है कि विधायक शेखावत सिर्फ चुनावों को टारगेट कर झूठी लोकप्रियता पाने की मुहिम चला रहे हैं। कई लाख रुपयों के काम मेरी वजह से गति पकड़े है, ये संभ्रम फैलाने ही ये कवायद शुरू रहने की बात भी खुलकर उजागर हो रही है। विधायक शेखावत ये जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्होंने ऐसी संभ्रम फैलाने वाली करतूत नहीं करनी चाहिए, ऐसा कई सुजान नागरिकों का कहना है। अब एक नजर कुछ और अहम खबरों पर। पूरे भारत में दीपावली ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। दीपावली का महत्व जैन धर्म में भी विशेषता से है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, इनका दीपावली के दिन
निर्वाण हुआ था। भगवान महावीर और दीपक के निर्वाण बिजली की एक प्राचीन उल्लेख भद्राबहु 123 भी कल्पसूत्रा में होती है। जब भगवान महावीर अपने पिछले वर्षावास के लिए मध्यम पावा के लिए आए थे, यह बरसात के मौसम के चौथे महीने के सातवें पक्ष और कृष्ण कार्तिक, ये तो कार्तिक के कृष्णा के अंतिम दिन था, उसी रात भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, ऐसा कल्पसूत्रा में उल्लेखित है। कल्पसूत्रा में ये भी उल्लेखित है कि देवताओं की उपस्थिति के कारण रात प्रबुद्ध थी और आगे कहते हैं कि अमावस्या की रात को 16 गण राजा मल्ला 9 और 9 लिच्छवी काशी और कौशल के उनके दरवाजे इल्यूमिनेटेड। उन्होंने कहा, ज्ञान का प्रकाश चला गया है, हम साधारण बात का प्रकाश करेंगे। भगवान महावीर के निर्वाण की रात है दिवाली और उन्होंने रात को ही शरीर और सभी कर्म बंधन को त्यागा था, इसलिए दीपावली का जैन धर्म में भी अनन्य साधारण महत्व है। दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण होते ही उनके प्रथम शिष्य गणधर गौतम स्वामी इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए दीपावली की सुबह सभी जैन स्थलों में गौतम पाठ का पठन किया जाता है, जो प्रथा निरंतर और बदस्तूर जारी है। वोकार हॉस्पिटल की ओर से शहर के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आगामी 30 अक्टूबर को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पीठ दर्द, कमर दर्द और स्पाइन सर्जरी इस विषय के ऊपर में मार्गदर्शन दिया जाएगा, तो लोग इसका फायदा उठाएं, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। नागपुर का वोकार अस्पताल पूरे विदर्भ में सुविख्यात अस्पताल है। कई जीर्ण रोगों पर प्रभावी उपचार के लिए जाने जाने वाले इस वोकार अस्पताल की ओर से आगामी 30 अक्टूबर को पीठ दर्द, गर्दन दर्द, हाथ पांव के दर्द, कमजोरी आदि रोग और प्रभावी इलाज स्पाइन सर्जरी के विषय पर चर्चात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 30 अक्टूबर को दोपहर 11 से 12 तक चलने वाले इस चर्चात्मक कार्यशाला में न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजय पूर्वे प्रभावी मार्गदर्शन करेंगे। इस निःशुल्क कार्यशाला का सभी रोगी लाभ लेवे, ऐसा जाहिर आह्वान भी किया जा रहा है। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने के पीछे वाली ठीक गली में एक ट्रैक्टर ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कुचल जाने से काफी दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं और घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय कोल्हापुरी गेट परिसर में रहने वाले आमदरे परिवार के 3 सदस्य गजानन आमदरे उम्र 36 साल, समीक्षा आमदरे उम्र 9 साल तथा रोहित आमदरे उम्र 3 साल अपने आंगन में ही दीपावली की तैयारियां कर रहे थे कि तभी एक अनियंत्रित ट्रैक्टर गली में घुस गया और आमदरे परिवार के 3 सदस्यों को बुरी तरह कुचलकर आगे निकल गया। MH27G553 क्रमांक का यह ट्रैक्टर परिसर क्यों आया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस ट्रैक्टर ने आमदरे परिवार को कुचलने से परिवार और परिसर में काफी खलबली मच गई। इस ट्रैक्टर से कुचले जाने से आमदरे परिवार के 3 सदस्यों को इलाज के लिए फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे को अंजाम देकर ट्रैक्टर चालक घटना स्थल से फरार हो गया। इस मामले में कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने में मामला दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीपावली की शाम कैसा रहा शहर का मौसम, आइए डालते हैं एक नजर मौसम के इस हाल पर। दिवाली के दिन शहर के मौसम का हाल था 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 42% लगा गया, जबकि ड्यू पॉइंट रस 17। गुरुवार को भी आसमान साफ रहने के संकेत मौसम विभाग जता रहा है, जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान शहर का 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। दिवाली के दिन होती है लक्ष्मी की पूजा और लक्ष्मी हो तो सही सही, लेकिन ये जिस तरीके से स्विस बैंकों में काला धन जमा है आखिरकार उससे लक्ष्मी देवी भी परेशान है और वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
आधे अधूरे कामों का लोकार्पण और शुरू हो चुके कामों का भूमि पूजन। विधायक शेखावत की चुनावी करतूत। ट्रैक्टर ने कुचला एक ही परिवार के 3 सदस्यों को। सांप के डसने से 1 की मौत। बोकार्ड हॉस्पिटल की निःशुल्क कार्यशाला 30 अक्टूबर को। और शहर में दीपावली की धूम, धूमधाम से मनाई गई शहर में दीपावली। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन को देखने के लिए या सिटी न्यूज के हर कार्यक्रम को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत। धन्यवाद। आपकी दीपावली बहुत खूबसूरत हो और आप अपनी दीपावली परिवार के साथ खूब खुशियों के साथ मनाएं, लेकिन सावधानी, फटाके फोड़ते समय ध्यान रखें। लेते हैं आपसे इजाजत। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके फोर व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित महलवाग वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास अमरावती। हरियाली फैमिली रेस्टोरेंट आणि बार, अमरावती मधील सर्वात मोठ्या व सुंदरा गार्डन मध्ये शाही बैठकाची व्यवस्था। पार्टी, बर्थडे, एंगेजमेंट, सेमिनारासाठी, फॅमिलीसाठी स्वतंत्र प्रवेश व सिटिंग व्यवस्था। स्वच्छता, देखभाल यावर विशेष लक्ष, मुलासाठी खास मनोरंजनची साधने। एसी डिलक्स बार हॉल, ओपन बारबेक्यू व तंदूरी डिशेस आता तुम्ही येऊ शकता बडनेरा रोड तथा साईनगर रोड वरून। दम बिर्याणी, वराडी भटकांडी, नॉनव्हेज। हरियाली फॅमिली रेस्टॉरंट आणि बार, बंड पेट्रोल पंप समोर, साधूरना, बडनेरा रोड, अमरावती।